जल्दी रोओगे क्या? शांत हो जाओ। YouTube स्टूडियो आई एम चाइनीज। अरे वाह, थैंक यू, आऊं चाऊं, यही बोलते हैं ना। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और देखिए, आज मैं अपनी वाइफ को लेकर जा रहा हूँ मेरे स्टूडियो पे, क्योंकि हमारे 3 मिलियन होने वाले हैं। और मैम क्या लेकर आई है? पेस्ट्री, उसको लेकर हम सेलिब्रेट करेंगे। मैम, मैं आपको आपके घर से स्टूडियो लेके जा रहा हूँ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपको पता है हम लोग अलग हो चुके हैं तो हम अलग रहते हैं। और मैम चढ़ते हुए फाइनली पहुंच गई हैं सेकंड फ्लोर पर, और आज मैम पहली बार शुभारंभ कर रही हैं अपने हाथों से। ताला आपने वैसे चाबी से क्यों खोला? आप एक हाथ से झटका मारते टूट भी जाता। ये हमारा स्टूडियो है, अंधेरा था इसमें अब तक, अब इस पे उजाला हो गया है। एसी चलाते ही मैम डर गई अचानक से, एकदम पत्तियां निकल के आई कूड़ा। बाकी कैसा लगा मैम आपको? आप पहली बार आई हैं तो आपको ये सारा सिस्टम स्टूडियो का जो मैं रोहतक से उठा के यहाँ लाया हूँ, ये सही जचा रखा मैंने? बहुत अच्छा। और आप बताएंगे कि आपने मुझे धक्के मार के यहाँ क्यों भेज रखा है कि मुझे अलमारी भी यहीं रखनी पड़ी मेरे कपड़ों की? क्योंकि स्पेस नहीं है। स्पेस नहीं है तो आपकी जिंदगी में मेरे लिए स्पेस नहीं है मैडम? कपड़ों के लिए स्पेस नहीं है घर में। वो तो मैं कैमरे पे कह नहीं सकती, जिंदगी में भी नहीं है। तू जा रहे, मैं जी लूंगी तेरे बिना। तो अब सिस्टम ऑन करते हैं, लाइव जाने का टाइम हो गया है। क्या अलमारी कैसी लगी तेरे को? अब देख, अपने जो 3 मिलियन होंगे ना, अब अपनी स्क्रीन के ऊपर चलाएंगे। ओके। ये देख, ये अपनी पूरी स्क्रीन ऑन कर दी, अब इसके ऊपर लाइव काउंटिंग चलेगी। ठीक है, सिस्टम ऑन कर दिया मैंने। ये बीप साउंड बहुत जरूरी है जिंदगी में, जब आप कुछ भड़ास निकालना चाहे तब भी, और जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तब भी। बीप बीप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। और अब 3 मिलियन की ओर हम छुक 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 गाड़ी लेकर चलेंगे, और यहाँ आपको लाइव दिखाई देगा। सबसे पहले तो मैं कैमरा ऑन कर, इसको हमेशा इससे निकाल के फ्लैप को ट्विस्ट करना पड़ता है। अब हम पहुंचने वाले हैं अपनी मंजिल की ओर, इंग्लिश लवर्स, हमारा प्यारा चैनल यूट्यूब स्टूडियो। आज सर सुबह सुबह तैयार हो गए हैं नहा धोके। आज सर ने क्या खाया नाश्ते में? नाश्ते में मैम ने मुझे खिलाया गरम गरम ब्रेड पकोड़ा और समोसा, जो कि मैं कब भी नहीं खाता, लेकिन आज मैम ने कहा आज मेरी चलेगी। और अच्छा लगा ना खा के? हाँ ठीक है, कभी कभी तो चलता है। कैसे हो आप सब? लाइक कर दो भैया इस वीडियो को जल्दी से, क्योंकि देखिए आप सबके साथ आज मैं लाइव सेलिब्रेट करने जा रहा हूँ। मेरे चैनल पर 3 मिलियन होने वाले हैं। मैंने जब लाइव गया था 5 मिनट पहले 70 थे, चलिए 55 अब बढ़ रहे हैं। तो अब स्पीड बढ़ा दो एकदम से, ताकि 3 मिलियन होने में ना मजा आ जाए। एक कह रहा है 4 मिलियन करा दूंगा, भाई अभी तो 3 मिलियन ही करा दे, ये देख कम होते जा रहे हैं। एसी में पसीने आने लग गए, मैंने कहा ये हो क्या गया, 70 से सीधा 45 तक ले आया। और देखो आज कौन आया, मैं मिलाता हूँ आपको। आप हमेशा पूछते रहते हो, देखिए ध्यान से देखिए, ये भटूरे जैसे मुंह वाली मेरी वाइफ है, इनका नाम है कामिनी। और देखिए इनको जैसे ही मैं यहाँ स्टूडियो में लेकर आया हूँ, आज 70 से सीधा कम होते जा रहे हैं। मेरे को लग रहा है मैं सेलिब्रेशन करने आया हूँ 3 मिलियन का, ये अगर यहीं पे रही ना तो ये 2 मिलियन पहुंचा के छोड़ेगी। सर मजाक कर रहे हैं, एक बार अनसब्सक्राइब करके फिर सब्सक्राइब करेंगे, कब करोगे? दोस्तों केक वगैरह ना ज्यादा मैं पसंद नहीं करता, बच्चों का जन्मदिन हो तो बेशक ले आता हूँ, मैं खुद का भी बर्थडे कभी सेलिब्रेट नहीं करता। एक तो तेरी हाइट वैसे कम है, चप्पल और उतार दे ऊपर से। चलिए तो मैम ने 2 पेस्ट्री मिला के एक आधा केक बना दिया है। अटक गया है ये दिल, अटक गया है, फिर से डाउन जा रहे। आप बहुत क्यूट हो, थैंक यू, हैंडसम भी हो गया इधर। ये हंसती रहती है मेरी वाइफ ना, इसको कभी भी मैं हैंडसम नहीं लगता तो मैं इसको कुछ भी नहीं लगता हूँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। राम राम जी सर जापान से, अरे वाह जापान से भी लोग जुड़े हुए हैं। आई एम चाइनीज, अरे वाह, स्टिल यू आर सेलिब्रेटिंग माई 3 मिलियन माइलस्टोन, थैंक यू, आऊं चाऊं, यही बोलते हैं ना। ये पिंगल रही है, इससे पहले मैं इसी को ही लिपना स्टार्ट कर देता हूँ। अंजलि नागर कह रही है मैम आई लाइक यू, इसको मेरे को छोड़ के हर कोई कहता है आई लाइक यू। आपका लव मैरिज है, इसको देख के लगती है कि मेरी लव मैरिज हो सकती है। मैम आप बहुत ब्यूटीफुल हो, काहे मजाक करते हो भाई सुबह सुबह, ये ब्यूटीफुल नहीं नहीं क्या मतलब है? आप देख रहे हो ना लाइव, ये मेरे को पीट रही है। आप सबका ये जो प्यार है ये मेरी ताकत है, आप सबने जीने की एक नई वजह दी है मेरे को। नहीं इससे पूछो, जब मैंने बैंक छोड़ा था तो तूने क्या बोला? देख कम कर दिया इसी बात, आप बहुत ब्यूटीफुल हो। कौन कौन मानता है कि मैडम सच में ब्यूटीफुल है?
मैम की तारीफ करो, 3 मिलियन जल्दी होगा। मैंने आज तक इससे खूबसूरत लड़की नहीं देखी। मैम बोल दें तो अभी सब्सक्राइब कर दें। हाँ करो भाई, सब्सक्राइब कर दो, बढ़ा दो, 3 मिलियन से ऊपर कर दो, 3 मिलियन का। शुभो मेहनता कह रहे हैं, मैम थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलो। अरे बोल ना, मैंने सिखाई नहीं थी, मैंने ये नहीं सिखाया था कि जब भी मैं मिलूं मेरे को क्या कहना है सबके सामने, यू आर वेरी हैंडसम एंड टैलेंटेड। दोस्तों आपको पता है मैंने इससे शादी क्यों की है? क्योंकि मुझे हैरानी नहीं आती। नहीं, उसका एक रीजन और भी था। बचपन में ना हमारे घर में भैंसे रखा करते थे, जल्दी से दो, सिर्फ दो चाहिए, वापिस कर दिया और वापिस कर दिया, मतलब पता चले हम 3 मिलियन का सेलिब्रेशन करके आपने कम कर दिए। हुर्रे, 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स, यस, थैंक यू एवरीवन, आप सबकी तरफ से। मैम मेरा मुंह मीठा करवा रही है, हाँ ऊपर ही जाना, थैंक यू। लीजिए आप सब भी खाइए, आपके नाम का मैं खा लेता हूं। तो 3 मिलियन सब्सक्राइबर से ऊपर हो चुके हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब ने मुझे जो एक ताकत दी है कि मैं बिना नौकरी किए, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब छोड़ चुका था, और उसके बाद इस लेवल पे पहुंचना एक सपने जैसा है। वापस करने लग रहे हैं, रोना रोना नहीं, रोना नहीं। अभी तो 4 मिलियन भी होंगे, इतनी जल्दी रोओगे क्या? शांत हो जाओ, वैसे सर जल्दी से रोते नहीं है। रुलाने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। थैंक यू गाइस, और आप सब अभी अगर अभी मेरे सामने होते तो मैं सीरियसली आप सबको गले लगा लेता, लेकिन आप सबके नाम का ये अकेली हाथी का बच्चा है, इसको मैं गले लगा लेता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इतना प्यार देने के लिए। मैंने कुछ खास नहीं किया लाइफ में, बस कोशिश की ईमानदारी से लोगों का भला करने की और आप सबके दिलों तक पहुंचने की। तो शायद इतना प्यार जो मुझे मिला है वो मैं पहुंच पाया हूं, क्योंकि जब आप सब कुछ छोड़ देते हो ना लाइफ में, उम्मीद छोड़ देते हो, तो हर कोई आपको सिर्फ ताने मारता है। और ये जिंदगी ऐसी है, जब तक आप अपने आप को प्रूव नहीं कर देते तब तक वो ताने चलते रहते हैं। हालांकि आज मेरा परिवार और जो भी जान पहचान वाले हैं वो सही कहते हैं कि भाई वी आर प्राउड ऑफ यू, बट एक टाइम ऐसा था जब दे डिस्कार्डेड मी लाइक अ वेस्ट। ठीक है, तो डिस्कार्ड कर दिया गया था हर जगह से, लेकिन मुझे बिलीव था कहीं ना कहीं कि भैया मैं किसी का बुरा तो नहीं कर रहा हूँ, अच्छा ही कर रहा हूँ। तो बस चीजें बनती गई, आप सबका प्यार मिलता गया और आज ये मुकाम हासिल हो गया आप सबके प्यार की वजह से। थैंक यू एवरीवन, तो अब मेरे साथ इस लाइव सेलिब्रेशन में जुड़ने के लिए, और उम्मीद है आप सब ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहेंगे और अपना प्यार आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव, लव यू ऑल, बाय।